जय महाकाल, ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम हंगनमंताय नमः। पहले तो मैं आप सब लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि पीछे में जो थोड़ा बुखार वगैरह हो गया था, एलर्जी हो गई थी, उसमें आप सब मेरे भक्तों ने मुझे बहुत शुभकामनाएं दी, आशीर्वाद दिया, मेरे लिए प्रार्थना करी और मैं बहुत जल्दी ठीक हो गया था। उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ दिल से कि आप लोग मुझे इतना प्यार करते हैं। अब सावन का महीना चल रहा है, तो इससे पहले कि मैं शनि के बारे में कोई बात करूं, थोड़ा शेर शायरी से काम चालू करते हैं। बीमारी का मेरी जिक्र हो रहा था तो बीमारी पे ही शेर सुनाऊंगा। उनके फोन आने से चेहरे पे आ जाती है रौनक, उनके फोन आने से चेहरे पे आ जाती है रौनक। वो समझते हैं कि हमारा हाल अच्छा है, वो समझते हैं कि हमारा हाल अच्छा है। तो इसीलिए किसी ने हिंदी में ट्रांसलेशन किया है जोक की तरह, उनके फोन आने से चेहरे पे आ जाती है शोभा, उनके फोन आने से चेहरे पर आ जाती है शोभा। वो समझते हैं कि रोगी की दिशा उत्तम है, वो समझते हैं कि रोगी की दिशा उत्तम है। आजकल बरसात का मौसम है, कई जगह बाढ़ आ रखी है, पर हमारे उज्जैन में बारिश जो है ना बहुत कम हो रही है, जितनी जरूरत नहीं है उससे बहुत कम हो रही है। उसके ऊपर शेर सुनो, अब के बरसात में ये शरारत जो मेरे शहर के साथ हुई, अब के बरसात में वो शरारत जो मेरे शहर के साथ हुई, एक हमारा शहर छोड़ के पूरे हिंदुस्तान में बरसात हुई, एक हमारा शहर छोड़कर पूरे हिंदुस्तान में बरसात हुई। तुम जो कहते हो कि अंधेरों को संवारा जाए, तुम जो कहते हो कि अंधेरों को संवारा जाए, फिर बता दो कि कहाँ वक्त गुजारा जाए, फिर बता दो कि कहाँ वक्त गुजारा जाए। जिसने फूलों से संवारा हो चट्टानों का मजाज, जिसने फूलों से संवारा हो चट्टानों का मजा, ऐसे दीवाने को पत्थर से न मारा जाए, ऐसे दीवाने को पत्थर से न मारा जाए। तो आज शनिवार है तो मैं आज आपको शनि के बारे में ज़्यादा बात करूँगा, तो ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 3-4-5 मिनट का बनाऊँगा वीडियो। तो सबसे पहले तो 8 नंबर होता है ना, ये शनि का नंबर होता है। 8 नंबर वाले लोग शुरू शुरू में उनको बहुत मेहनत करनी पड़ती है और बाद में बड़ी ऊँचाई में चले जाते हैं। और 8 नंबर वाले लोगों को बीच बीच में शनि का पाठ करवाना चाहिए, शनि का दान करना चाहिए। शनि जो है ना पहले उनकी खूब लड़ाई करता है, फिर बहुत ऊपर लेके जाता है। जैसे मोदी जी थे, मोदी जी का डेट ऑफ बर्थ भी 8 नंबर पे आता है। मोदी जी ने पहले जब काम चालू करा एक सेवक के रूप में आरएसएस के, तो वो वहाँ पे प्रचारक के रूप में काम करते थे। तो वहाँ भाजपा का कार्यालय जो है दिल्ली में, उसके कमरे में सोते थे, स्कूटर पर घूमते थे, वो करते थे। तो बहुत उन्होंने 10-15 साल मेहनत करी, फिर वो मुख्यमंत्री बने, फिर आप प्रधानमंत्री बन गए। तो शनि का जो है बहुत ऊंचा लगे जाता है आदमी को, तो जो अच्छे कर्म करते हैं तो उनको बहुत फल मिलता है। और शनि वालों को 4 नंबर वालों में थोड़ा ज़्यादा बिजनेस नहीं करना चाहिए, थोड़ा उनसे डिफरेंस बनाकर रखना चाहिए, ज़्यादा करीब से काम नहीं करना चाहिए। शादी के टाइम पर भी 4 नंबर 8 नंबर का कोई क्लैश हो तो अच्छी तरह कुंडली बना के ही करें। तो शनि देव के बारे में मैं बहुत सिंपल रेमेडियाँ बताऊंगा आपको। मैंने पहले भी बताया था, शनि देवता जो है वो न्यायाधीश का देवता है, वो जज का देवता है, वो फल अच्छा भी देता है बुरा भी देता है। शनि देवता कहते हैं ना मैं समय से पहले आता हूँ ना समय के बाद में आता हूँ। जब आपकी कुंडली में मेरे हिसाब से आपको फल देने का काम हो या आपको सजा देने का काम हो, मैं तभी आता हूँ। और सबसे पहले तो जिनका शनि की ढीला चल रही हो, शनि खराब चल रहा हो कुंडली में, तो शुक्रवार को आधा आधा किलो काले चने 2 बर्तन में भिगो लें, आधा आधा किलो काले चने 2 बर्तन में भिगो लें। और शनिवार को उसको कढ़ाई में सरसों की तेल से तलवा लें घर वालों को बोल के, और फिर शनि मंदिर में जाके ओम शाम शनिश्चराय नमः, ओम शाम शनिश्चराय नमः के आधा आधा किलो के अलग अलग दो उनके पार्सल बना के शनि देवता को चढ़ाएँ और एक पार्सल वहाँ रख के आ जाएँ। और बाहर शनि देवता के बाहर बहुत लोग बैठे होते हैं तो वहाँ पे उनको बांट दें तो बहुत अच्छा होगा। तो जिनकी नौकरी में बाधा आ रही हो, पैसा नहीं जमा हो रहा हो, शत्रु बढ़ रहे हो, तो शनिवार को एक तो नया काम नहीं शुरू करें, कोई भी नया काम नहीं शुरू करें। और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करें और पीपल के पेड़ के 7 बार फेरे निकालने हैं, पीपल के पेड़ के 7 बार फेरे निकाल के एक सरसों का तेल जिसमें 5 बाती लगी हो, 5 जगह पे दीपक लगे हो, वो लगाएं। और हो सके तो शनिवार को नॉनवेज नहीं खाएं, शनिवार को नॉनवेज नहीं खाएं। शनिवार को और मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में जाके वो थोड़ा संदूर लेके अपने माथे पे लगाएंगे तो शनि देवता प्रसन्न हो जाते हैं। शनि देव का जो इष्ट देव है वो महादेव है, महादेव माने शिव जी। अगर आपके शनि के कारण जिंदगी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो शनिवार के दिन शनिवार को सरसों का तेल और काले तेल लेके उसका शिवलिंग पे
चढ़ा के ऐसे करके उसको छुए। आप शिवलिंग को जब छुओगे ना तो आप में पॉजिटिव एनर्जी आएगी, छूने से आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा एनर्जी आ जाएगी। और उसका रुद्राभिषेक करवाएं, काले तिल से सरसों के तेल से रुद्राभिषेक कराएंगे तो बहुत अच्छा होगा। शनिवार को नमक नहीं खरीदना अपने को, कभी नमक नहीं खरीदना, उससे घर में बहुत खर्चा होगा। दूसरा, शनिवार को अपने को काले जूते नहीं खरीदने, काले चमड़े के जूते, प्लास्टिक के जूते वो नहीं खरीदने, काले छाता नहीं खरीदना, लोहे का सामान नहीं खरीदना। कोशिश करो कि शनिवार को काली चीज़ का आप काला कपड़ा ऐसी चीज़ें ना खरीदें। और नमक को कभी घर में खुला मत रखो, हमेशा नमक को टाइट डब्बे में रखोगे तो घर में पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। और शनिवार को एक और अच्छा सिंपल दान है कि एक रोटी बना के सरसों का तेल लगा के काले कुत्ते को या काले गाय को खिलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। सुंदरकांड का पाठ करें तो और भी अच्छा होगा। जिन लोगों का कारों का, लोहे का, ट्रेड का, डीक पेसिस का, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का बिजनेस है, वो आधा किलो कच्चा कोयला लें, उसको काले कपड़े में बांध लें, आधा किलो कच्चा कोयले को काले कपड़े में बांध के उसको छोटा थोड़ा सा लोहे का पीस उसमें डाल के किसी नदी के पास रख के आ जाएं। नदी के अंदर मत फेंके, कोयला नदी में ज़्यादा फेंकोगे, एक दो पीस फेंक के बाकी नदी के किनारे पर रख के आ जाएं। तो उससे क्या है, शनि का आपका जो बिजनेस है ना, लोहे का हो, एंटीक पीसेस का हो, कारों का हो, और मेटल का हो, पीतल का हो, उसमें आपको अच्छा फायदा होगा। स्टील का हो उसमें अच्छा फायदा होगा आपको। इसी तरह सरसों का तेल का रुद्राभिषेक करवाएं, मैंने पहले बताया है। और शनिवार को अगर हो सके तो 11 भूखे लोगों को खाना खिलाएं, और खाना खिलाने के बाद उनको तिल के लड्डू होते हैं ना, तिल के लड्डू बड़े बड़े बाजार में मिल जाते हैं, हर एक आदमी को 5-5 लड्डू दान करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। जो लोग का शनि में एक तो नीलम होता है, नीलम तो बहुत महंगा नग है, उसका येलो एक ब्लू सफाया आता है 400-500 रुपये का, वो बड़ी उंगली में पहने। और जो 400-500 रुपये भी अफोर्ड नहीं कर सकते वो लोग, घोड़े की नाल का छल्ला आता है 4-5 रुपये का आ जाएगा, किसी मंदिर के बाहर मिल जाएगा, काले घोड़े की नाल का छल्ला, या फिर नाव की कश्ती होती है ना कश्ती, उसका छल्ला भी आप पहन सकते हैं। तो ये सारे उपाय मैंने सरल सरल शनि के बारे में पहले ही बहुत बता चुका हूँ, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं बताया, पर बहुत दिनों से आपसे रूबरू होने की इच्छा थी, मैं आपके पास आ गया। तो अब मैं आपको जल्दी मंडे को लक्ष्मी जी के बारे में बताऊंगा कि बाकी के 6 महीने जो साल के बचे हैं लक्ष्मी जी कैसे आएंगी। मैं आप लोगों का फिर बहुत धन्यवाद करते हूँ। मेरा मोबाइल नंबर है 9270304 15, ये व्हाट्सएप नंबर भी है 9302234 15। आप लोग मेरे से कभी भी संपर्क कर सकते हैं, मैं निःशुल्क सेवा करता हूँ, कोई पैसा वैसा नहीं लेता हूँ। आप लोगों का स्वागत है, आप लोग इसी तरह मेरे से प्रेम बनाए रखिए। जय महाकाल, जय ओम शम शनिश्चराय नमः, ओम हंगनमंताय नमः।